डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आज तारीख है 15 अक्टूबर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस तरह के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। साथ ही अगर आप 15 अक्टूबर से पहले के PDF चाहते हैं और वीडियोज़ चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट्स ssccjalpinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करें। आज का ये जो वीडियो है इसका PDF जो है आपको उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। कल की क्विज के आंसर्स बताती हूँ। केंद्र सरकार द्वारा तत्काल युद्ध दल की कितनी नई पलटने स्वीकृत की गई है? आंसर है हमारा 5। और दुनिया का पहला परमाणु संयंत्र किस देश में स्थापित हुआ था? ये स्थापित हुआ था रशिया में। प्रश्न, अन्नपूर्णा देवी जिनका हाल ही में निधन हो गया वो कौन से क्षेत्र से संबंधित थी? हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियन। आंसर हमारा ए है। ओके, 92 इयर्स की थी ये। पद्म भूषण अवार्ड से इनको नवाजा गया था, पद्म भूषण। ओके, और आपको बताना चाहूंगी इनके बारे में कि ये सितार और सुरबहार बजाती थी। कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाती थी ये भी आपको पता होना चाहिए। और साथ ही जो जाने माने सितार बजाने वाले हैं रविशंकर जी, उनकी ये पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं आपको अन्नपूर्णा देवी जी की तस्वीर दिखाती हूँ। ये है अन्नपूर्णा देवी। सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पर आपसे पूछा है गया है कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ये कौन सी तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। ठीक है, 2017 में जो इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड डे है वो और वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, इन दोनों को एक बना दिया गया। और एक बनाने के बाद इसका नाम क्या कर दिया गया? इसका नाम कर दिया गया वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। अब ये साल में 2 दिन मनाया जाता है, ठीक है, 2 days। एक बार ये मई के महीने में मनाया जाता है और एक बार ये अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। ये सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है, जो सेकेंड सैटरडे होता है ना, सेकेंड सैटरडे इन मई और सेकेंड सैटरडे इन अक्टूबर हम ये दिन मनाते हैं। और इस दिन क्या होता है? इस दिन हम अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, लोगों को जागरूक बनाने की कोशिश करते हैं कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं उनको और उनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है, ये करते हैं हम इस दिन। अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक पिक्चर भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है ईयर ऑफ द बर्ड 2018 वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। ओके, कुछ और इंफॉर्मेशन देते हैं आपको, कुछ और दिन मनाए गए उनके बारे में जानकारी दे रही हूं। ठीक है, इंटरनेशनल डे, अंतरराष्ट्रीय दिवस किसका? इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन। ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन, ये सारी जानकारी आपको PDF में मिलेगी, बस वो डाउनलोड कर लेना। ये कब मनाया जाता है? ये भी मनाया जाता है 13 अक्टूबर को ही। और इस दिन हम हर प्रत्येक व्यक्ति को प्रोत्साहन देते हैं, गवर्नमेंट को प्रोत्साहन देते हैं ताकि इस तरह की चीज़ें बनाई जाएं जो डिजास्टर, जिनके ऊपर असर ना दिखा पाए। डिजास्टर का मतलब आपदाओं से होता है। हाल ही में वर्ल्ड एग डे भी मनाया गया, अंडा दिवस, विश्व स्तर पर अंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अंडा दिवस। ये कब मनाया जाता है? ये अक्टूबर के महीने में जो सेकेंड फ्राइडे होता है, दूसरा जो फ्राइडे होता है उस दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड एग डे। और दुनिया भर में जागरूकता पैदा करने की कोशिश करते हैं कि अंडा जो है वो ह्यूमन बींग्स के लिए बेहद न्यूट्रिशियस फूड है। तो ये दिवस भी मनाए गए और ये सारे आपको PDF में मिल जाएंगे। ये थी जानकारी, आगे चलते हैं। टर्टल ओली को किस चीज का ऑफिशियल मैस्कॉट बनाया गया है? ये है हमारा प्रश्न 3। टर्टल ओली जो है ये किसके लिए आधिकारिक शुभांकर बन गया है? आंसर है मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। आपको पता है कि जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप है वो नवंबर और दिसंबर के महीने में भारत में हो रहा है, भारत में वो भुवनेश्वर में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो उसके लिए जो हमारा ऑफिशियल मैस्कॉट है वो है ये टर्टल ओली। और आपको पता है कि उड़ीसा का जो ओलिव रिडले टर्टल है वो दुनिया भर में मशहूर है। ओके, ये जो टर्टल ओली है ये ऑफिशियल मैस्कॉट होगा उड़ीसा's मेन हॉकी वर्ल्ड कप का, और ये नवंबर और दिसंबर के महीने में आयोजित किया जा रहा है। ये जो ओलिव रिडले टर्टल है ये एंडेंजर्ड स्पीशीज है, ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीशीज है। और ये हर साल, ओके, बहुत लंबी दूरी तय करके पहुंचते हैं उड़ीसा, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स दूरी तय करते हैं ये, और वहां के घारी माथा बीच पर पहुंचते हैं इनके नेस्टिंग सीजन में। ठीक है, ये
जो टर्टल ओली है ये एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2017 का भी ऑफिशियल मैस्कॉट था। ठीक है, अब आपको इससे संबंधित तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आपको तस्वीर नजर आएगी। और ये कौन है बीच में? ये उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं। चीफ मिनिस्टर साहब का नाम क्या है? नवीन पटनायक। ओके, और ये सबसे लंबे समय तक आज तक उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, मतलब सबसे लंबे, ऑलमोस्ट सन 2000 के आसपास ये बने थे और अब इनको 18 साल हो गए हैं। ठीक है, तो कैपिटल क्या है उड़ीसा का? उड़ीसा कैपिटल है भुवनेश्वर। और उड़ीसा जो है फिलहाल यूनिकैमरल है, पर जल्दी बाइकैमरल हो जाएगा। लोकसभा में 21 सीटें हैं और राज्यसभा में सीटें हैं 10। साथ ही यहां पर गवर्नर है गणेशी लाल। अब मैंने ओलिव रिडले सी टर्टल की बात की, तो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा नेस्टिंग ग्राउंड है ओलिव रिडले सी टर्टल का, वो है लियोडी चेलिस ओलिविया। ओके, ये है। और यहां पर चिलिका लेक भी है जो एक रामसर साइट है, ये भी ओडिशा में लोकेटेड है। तो ये थी सारी जानकारी इस क्वेश्चन के बारे में। चलते हैं प्रश्न 4 पर। विश्व स्तरीय 32वीं वर्ल्ड यूनियन ऑफ होलसेल मार्केट की 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ कहाँ हुआ? इनका शुभारंभ हुआ था गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में ये शुभारंभ हुआ। 11 अक्टूबर को शुरू हुई, 12 अक्टूबर को ये खत्म हो गई। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, और इसके बारे में आपको बताना चाहूंगी कि इसको शॉर्ट में हम कहते हैं WUWM, यानी कि वर्ल्ड यूनियन ऑफ होलसेल मार्केट्स। आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 5। किस राज्य ने 3 मोबाइल ऐप, उन 3 मोबाइल ऐप का नाम है आई खेत, ई पहल और ई प्रिवेंट, इनको लॉन्च किया है? आपको उनके नाम बता, उस राज्य का नाम बताना। ये 3 मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं, ये लॉन्च किए हैं पंजाब ने। पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने इनको लॉन्च किया है क्योंकि जो क्रॉप रेसिड्यू बच जाता है, ठीक है, किसान उसको जलाते हैं। अब उसको जलाने की वजह से क्या होता है? पोल्यूशन तो डेफिनेटली होता ही होता है, सॉइल को भी डैमेज पहुंचता है, नेचुरल एनवायरनमेंट को डैमेज पहुंचता है, ह्यूमन हेल्थ को डैमेज पहुंचता है। तो ये 3 ऐप लॉन्च किए गए हैं ताकि क्रॉप रेसिड्यू ना जलाया जाए, पूरी तरह से मॉनिटर किया जा सके, कहीं भी इस तरह की घटना ना हो, किसानों में अवेयरनेस फैलाया जा सके, इस उद्देश्य के साथ ये लॉन्च किया गया है। अब मैं आपको मैप में पंजाब दिखाती हूं। ये देखिए, ये छोटा सा राज्य है पंजाब, ये भारत के उत्तर में स्थित है। राजधानी क्या है यहां पर? चंडीगढ़। गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर, कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर हैं, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल 117 सीटों वाला, लोकसभा में 13 सीटें, राज्यसभा में 7। ओके, ये कहां पर लोकेटेड है पंजाब? पंजाब जो है ये नॉर्दर्न इंडिया में, उत्तर भारत में लोकेटेड है। साइज की अगर मैं बात करूं तो ये 20th लार्जेस्ट इंडियन स्टेट है। पॉपुलेशन की बात करूं तो ये 16वें नंबर पर आता है। इसमें जिले कितने हैं? इसमें जिले हैं 22। पंजाबी यहाँ पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। ओके, और पंजाब का नाम पंजाब क्यों है? हम इसको लैंड ऑफ 5 रिवर्स भी कहते हैं ना, लैंड ऑफ 5 रिवर्स। तो वो 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं? वो 5 नदियाँ हैं हमारी झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलज। ये 5 नदियाँ हैं, पर ये 5ों की 5ों जो है भारत वाले पंजाब में नहीं बहती हैं। पहले ये पूरा क्षेत्र पंजाब कहलाता था और इसका काफी सारा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में चला गया। तो इस पूरे क्षेत्र में ये 5 नदियां बहती थी। जो भारतीय पंजाब है उसमें केवल सतलज, रवि और ब्यास, सतलज, रवि और ब्यास बहती हैं, चेनाब और झेलम जो है नहीं बहती हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पंजाब में नहीं बहती हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये भारत का वो राज्य है जहां पर सिख पॉपुलेशन मेजोरिटी में है। पंजाब में इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर में है और चंडीगढ़ और लुधियाना में डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। ठीक है, साथ ही साथ एग्रीकल्चर यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है। बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं पंजाब में, जैसे गोल्डन टेंपल है, जलियांवाला बाग है, उसके बाद वाघा बॉर्डर वगैरह हैं। तो ये सारी जानकारी पंजाब के बारे में। अगला प्रश्न, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने किस शहर में दूसरी 2+2 वार्ता आयोजित की थी? ये आयोजित की गई थी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में। ठीक है, वहां पर ये आयोजित की गई है और भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो उनके फॉरेन और डिफेंस सेक्रेटरीज हैं उनके बीच ये वार्ता आयोजित की गई। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, पूरी तरह से जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है वहां पर लोकेटेड है ऑस्ट्रेलिया। ओके, कैपिटल क्या है यहाँ पर? कैनबरा। लोगों को लगता है कि सिडनी कैपिटल है, पर जी नहीं, कैपिटल कैनबरा है। यहाँ पर
नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। करेंसी है यहाँ की ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया जो है ये वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट कंट्री है, 7th लार्जेस्ट पे तो नाम आ जाता है इंडिया का। ऑस्ट्रेलिया की ऑलमोस्ट 26% पॉपुलेशन जो है वो वहाँ पर जो बाहर से लोग आए हैं उनकी है, और उसमें भी अधिकतर जो हैं वो भारतीय हैं या फिर वो चाइना से आए हैं। बहुत बढ़िया कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक फ्रीडम, सिविल लिबर्टीज़, पॉलिटिकल राइट्स, इन सब चीज़ों के लिए जाना जाता है। ये थी जानकारी ऑस्ट्रेलिया के बारे में। Which country has abolished death penalty? किस देश ने मृत्यु दंड को खत्म कर दिया है? Question number 7. मृत्यु दंड को खत्म कर दिया है मलेशिया ने। मलेशिया ने खत्म कर दिया है और इन्होंने फैसला किया है कि मृत्यु दंड को खत्म कर देंगे। अब तक मलेशिया में अनिवार्य था मर्डर के केस में, किडनैपिंग में, अगर ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह में मृत्यु दंड देना अनिवार्य था, और उसमें जनरली फांसी द्वारा मृत्यु दंड दिया जाता था, लेकिन अब मलेशिया ने इसको खत्म कर दिया है। मैं आपको मैप में दिखाती हूँ मलेशिया। ओके, लेट मी शो यू इन अ मैप। ये देखिए, अगर आप भारत के इस तरफ ईस्ट साउथ ईस्ट में देखते हैं आपको एक कंट्री नजर आता है मलेशिया। एक तो ये जो है हमारा पूरा पोर्शन, हम इसको इंडो चाइना पेनिनसुला कहते हैं। कुछ हिस्सा मलेशिया का यहाँ है और कुछ हिस्सा जो है मलेशिया का यहाँ पर, ये जो आइलैंड्स हैं उनमें है। तो ये भी मलेशिया है और इस तरफ ये भी मलेशिया है। कैपिटल है कुआलालंपुर और पुत्राजया जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। कुआलालंपुर सबसे बड़ा शहर भी है। मलया यहाँ पर मेन लैंग्वेज है, ऑफिशियल एंड नेशनल लैंग्वेज। रिलीजन जो है 61% लोग जो है इस्लाम के अनुयायी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत अच्छा है। करेंसी यहाँ पर रिंगेट है। ठीक है, ये एक ऐसी कंट्री है जो साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड है, और अगर कंट्री को आप देखें तो केवल एक ऐसी कंट्री है, ये ओनली वन कंट्री जो कि लोकेटेड है इंडो चाइना पेनिनसुला में भी, और इनमें ये जो आइलैंड्स हैं इनमें भी। ठीक है, आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर बोर्नियो भी है, BORNEO, और बोर्नियो जो है वो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट आइलैंड है, तीसरा बड़ा। ठीक है, तीसरा बड़ा द्वीप। अब सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा जो है वो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड के बाद सेकंड पोजीशन पर कौन आता है? न्यू गिनिया, वो जो है वो सेकंड पोजीशन पर आता है। बोर्नियो जो है 3rd पोजीशन पर आता है। साथ ही मलेशिया जो है ये नेचुरल रबर प्रोडक्शन में भी वर्ल्ड में इसकी पोजीशन है, और रबर ग्लव्स जो है ये दुनिया भर में अपने भेजता है। ये थी जानकारी मलेशिया के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल आरटीआई रेटिंग्स? जो वैश्विक आरटीआई रेटिंग हुई उसमें भारत की क्या रैंक थी? ओके, आरटीआई का मतलब है राइट टू इंफॉर्मेशन। उसमें भारत की जो रैंक थी 6th थी। जिन देशों में ये राइट टू इंफॉर्मेशन है उनकी रेटिंग्स दी गई, और करीबन 123 कंट्रीज को इसमें रेटिंग दी गई, जिसमें भारत की पोजिशन जो है 6th है। ठीक है, आप सोचेंगे 6th पोजिशन तो अच्छी है, लेकिन रैंकिंग जो है वो नीचे आई है। बहुत सारे पैरामीटर्स लिए गए, जैसे कि जो जानकारी है उस तक सिटीजन को कितना एक्सेस है, सिटीजन को कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर फॉलो करना करना पड़ता है, या फिर उसके बाद इसमें और भी चीज़ें देखी गई कि किन सिचुएशंस में रिफ्यूज़ कर देते हैं, अपील करने का क्या प्रावधान है, उन सारी चीज़ों को देखकर फिर ये रैंकिंग दी गई है, और इसमें भारत की रैंक थी 6th। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि 10 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में हमारा फेस्टिव ऑफर चल रहा है, जिसमें हम SSC CGL के सभी कोर्सेज पर, पिनाकल और फ्रंटियर IAS के सभी कोर्सेज पर 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, तो आज उसका लास्ट डे है। आप में से जो भी ज्वाइन करना चाहता है आपके लिए सुनहरा मौका है। इसमें हमारे HCS, RAS, IAS, IPS इन सब को हमने कवर किया है। 50% डिस्काउंट ऑन ऑल फ्रंटियर IAS एंड पिनाकल प्रोडक्ट्स। अगला प्रश्न देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018 में भारत का रैंक क्या था? यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भारत का रैंक जो था 103rd था। ठीक है, 2018 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी? 103rd थी। बहुत बुरी रैंक है, 119 कंट्रीज में ये रैंक मिली है भारत को। और ये जो इंडेक्स है इसको तैयार किसने किया? इसको ग्लोबल NGOs ने तैयार किया। NGOs होते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो है वो मेन था। आंसर हमारा ए है।
अंतिम प्रश्न, विश्व बैंक ने किस देश में वित्तीय और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 195 मिलियन अमरीकी डॉलर को मंजूरी दी है? ये मंजूरी दी गई है हमारे पड़ोसी देश नेपाल को मिली है ये, ठीक है, ताकि वहां का जो फाइनेंशियल सेक्टर है, पावर सेक्टर है, उसको सुधारा जा सके। तो ये थे हमारे 10 प्रश्न। आपसे कहना चाहूंगी, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा डेफिनेटली आप लाइक करें, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, और साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें। इन तीनों चीजों में कंजूसी ना करें, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है मजाक में। अब आगे चलते हैं और हम आ गए हैं क्विज फॉर द डे पर। यहाँ पर आपसे पूछा है कि वो कौन सा राज्य है जिसने 3 मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं, ये ऐप्स के नाम है वो बताइए, और साथ ही बताइए कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ये दोनों हमारे क्विज फॉर द डे के प्रश्न हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने आंसर्स लिखिए। आपसे मुलाकात होगी कल, और पीडीएफ के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर लें। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।